मुंगेर में फीस अटेंडेंस के विरोध में जिले में कार्यरत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत कर्मियों ने जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में जमकर काटा बवाल और अपनी मांगों को लेकर डीपीएम को सौंपा एक ज्ञापन। वहीं उन्होंने कहा कि मांगे न मानी गई तो 15 जुलाई से संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। दरअसल मुंगेर में फेस अटेंडेंस के विरोध में जिले में कार्यरत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत कर्मियों ने जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया है, जहां एनएच कर्मियों ने फेस अटेंडेंस सहित एक समान वेतन की मांग को लेकर नारे लगाए हैं। एनएचएम कर्मी ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए FRAS पोर्टल पर चेहरे से उपस्थित दर्ज किए जाने की अनिवार्यता कर दी गई है, जिससे लेकर जिले में कार्यरत NHM कर्मियों द्वारा 5 जुलाई से ही विरोध शुरू करते हुए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत NHM कर्मियों द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही अपने मांगों का ज्ञापन जिला स्वास्थ्य समिति के जिला प्रबंधक को सौंपा गया। उन्होंने बताया है कि फेस अटेंडेंस सहित स्वास्थ्य कर्मियों पर लागू होना चाहिए, न कि केवल संविदा कर्मियों पर। उन्होंने कहा है कि NHM कर्मी कई मुश्किलों का सामना करते हुए दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं को चला रहे हैं, ऐसे में दियारा क्षेत्र में नेटवर्क परेशानी से उनको फेस अटेंडेंस बनाना मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त उनके प्रमुख मांगों में समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने, सभी NH कर्मियों को नियमित करने आदि शामिल किया गया है। हम लोग का लगाया गया है, उसी मामले को लेके हम लोग आए हुए हैं। और सामान्य हम लोग का मांग एक है, अभी सबसे पहला मांग है फेस लोकेशन को हटाया जाए। हम लोग उस चीज के लिए एकदम ये है, दीरा क्षेत्र में जाते हैं, लोकेशन लाइव लोकेशन हम लोग सही से नहीं दे पा रहे हैं, फेस लोकेशन कहाँ से दे पाएंगे। चलिए लाइव लोकेशन हम टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लक्ष्मीपुर लोची से आते हैं, भैया राम राय टोला HSC टीका रामपुर जाते हैं, पर डे गाड़ी से आना जाना कहाँ जाम लगता है। बरियारपुर का स्थिति आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, हम लोग पर डे कभी 10 बजे रात में पहुँचते, कभी 11 बजे रात में पहुँचते। रही बात रास्ता में, हम लोग को कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हम एक औरत है, घर में मेरा 2 बच्चा है, ऊपर से दीरा क्षेत्र में जाते हैं, भींग जाते हैं, उसमें हम लोग को कमेंट पास किया जाता है, उसमें भी हम लोग का जो WHO वाले जाते हैं या कोई भी सर जाते हैं बोलते हैं व्हाइट ड्रेस में नहीं आई। अरे व्हाइट ड्रेस में भींगते हैं तो क्या हाल होता है मेरा, वो हमको गुजरता है, वो आप लोग कैसे जानिएगा। एक दिन दीरा क्षेत्र में 4 दिन पानी में जाइए, आपको पता चलेगा कि क्या होता है दीरा क्षेत्र में। सिर्फ हम लोग आगे पीछे सिर्फ कमेंट पास सुन सुन के थक गए, हम लोग एक आशा से भी बदतर अपने आप को मानने लगे। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा वेतन 10,000 रुपया है तो उसमें बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा दिक्कत है तो नौकरी को छोड़ दीजिए। अरे हम नौकरी छोड़ कैसे देंगे, घास छिल के तो नहीं आए, 2 साल हम ट्रेनिंग किए, एग्जाम दिए, पास किए, उसके बाद कितना परेशानी के बाद पटना जाओ यहाँ जाओ, उसके बाद हम लोग ज्वाइन किए हैं यहाँ। यहाँ पे DPM सर भी बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग को भी लगाया जाएगा, अभी तो परमानेंट को भी नहीं लगाया गया, सिर्फ हमें लोग को लगाया गया। हम लोग एकदम डिप्रेशन में आ गए हैं, 3 दिन से हम सही से खाना भी नहीं खा रहे हैं, रोज सुबह में 8-7 बजे हम घर से निकल जाते हैं, 5 बजे तक हम DPM ऑफिस में, इसके बाद भी हम लोग को कहा जा रहा है ज्यादा करेगी तो वेतन काट लेंगे। अरे 3 महीना से वेतन दिए कहाँ है, जो वेतन काट लीजिएगा, क्या काटिएगा आप वेतन, भी हमें मिल रहा है कि आपका वेतन हम काट लेंगे। अरे काट लीजिए ना वेतन, 3 महीने से पैसा नहीं दिए हैं, काटिए ना वेतन, काट लीजिए वेतन, यानी कि शोषण है, ये हम लोग के साथ पूरे शोषण है। ऊपर से हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है कि हम लोग दीरा में कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं, शोषण है तब क्या गया, यहाँ पे 100 से ऊपर है। क्या नाम है आपका? नाम सोनी कुमार। क्या है आप? सदर ब्लॉक ANM में पोस्टेड, ANM पोस्ट पे हैं, HSC भैया राम राय टोला में कार्य जा रहे हैं। वेतन मेरा जितना भी NHM कर्मी है, जितना भी CHO है या ANM है, उनका भी वेतन बहुत कम है, 10,000 में ये लोग काम कर रही हैं, और हम लोग का वेतन जो भी है वो 32,000 है, उतने में हम लोग काम कर रहे हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट से भी जो कि आने जाने में परेशानी होती है, हम लोग दियारा क्षेत्र में जहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था तक नहीं है, और वहाँ हम लोग
9 से 5 तक ड्यूटी देते हैं और यातायात का भी साधन नहीं है। गंगा पार करके भी हम लोगों को ड्यूटी करना पड़ता है और एक सीएचओ को 3-3 सेंटर दे दिया गया है, 3-3 सेंटर का काम देखना पड़ता है और हम लोगों का वेतन भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि एनएचएम के अंदर जो भी थे डीपीएम थे और जितने भी डीपीसी हैं, बीएचएम है, अकाउंटेंट है, सबका वेतन बढ़ गया, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं रुके हुए हैं।